काशीपुर में 2 साल पहले एक मर्डर हुआ था। इस मर्डर केस में सूचना देने वाला ही कातिल निकला। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया था। थानाकुंडा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने एक पुराने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि 27 जुलाई 2022 को जगदीश का शव स्थानीय निवासी रमेश के धान के खेत से बरामद हुआ था। पुलिस की छानबीन में मृतक की पत्नी ने रमेश पर शक जताया था, जिसके बाद फॉरेंसिक की सहायता लेकर संदिग्ध रमेश का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे मृतक को 800 रुपए मजदूरी के देने थे, जिस पर जगदीश गाली गलौज करते हुए अपने पैसे मांगने लगा। इसके बाद गुस्से में आकर आरोपी रमेश ने मृतक जगदीश के सिर पर फावड़े से वार कर दिया तो वो जमीन पर गिर गया और मर गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि सभी अपराध वर्कआउट होना चाहिए, अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना चाहिए। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीजे महोदय द्वारा निर्देश रहता है कि ऑल क्राइम्स हीनेस क्राइम्स शुड बी वर्कड आउट। तो आज बड़ा एक खुशी का दिन है कि एक पुलिसिंग में सेटिस्फेक्शन वाला दिन है कि 2 साल से पेंडिंग चल रहा था, 2 साल से ब्लाइंड था एक केस जो हत्या का मुकदमा रजिस्टर हुआ था काशीपुर थाने में, तो जिसमें प्रतापपुर चौकी क्षेत्र के निकट जो है एक पुलिया के निकट एक बॉडी मिली थी, जिसमें मृतक हमारा जगदीश उर्फ साधु है, उसका मात्र पुलिया के पास जो बॉडी मिली थी वो सर पे चोट था, संभवतः ऐसा दिख रहा था क्योंकि वो शराब का बहुत ज़्यादा नशे का आदि था और कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, किसी ने जाते हुए किसी ने लड़ाई करते हुए कुछ भी नहीं देखा था। एवरी वन सबने मान लिया था कि ये पुलिया से नशे की हालत में गिर के मौत हुई, परंतु परिवार वालों ने संदेह के आधार पर 302 लिखवा दिया था। 2 साल ब्लाइंड चढ़ने के बाद आज हमारे आईओ जो इस केस का अभी आईओ है विक्रम राठौड़ और हमारा उसका सहयोगी है हमारा होशियार सिंह, इन दोनों की कड़ी मेहनत और एक प्रोफेशनल पुलिसिंग का बदौलत आज उस केस का वर्कआउट हुआ है। हमने उसको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करते हुए लाइट डिटेक्टर टेस्ट के लिए सब्जेक्ट किया था, तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट में प्रथम दृष्टया वहाँ पर रिपोर्ट तो ऑफिशियली नहीं आई थी, पर करने के दौरान उसको गुड कॉप बैड कॉप की एक अलग अलग तरीके से एक साइकोलॉजिकल पूछताछ करने के बाद वो भूल लिया उसने। 2 साल से जो क्रैक नहीं हुआ था उसने अपने आप क्रैक हो गया और उसका पूरा कन्फेशन ले लिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।